22 years old मेल अजय नाम है जिसका, रहने वाला अजीम नगर का है। वो हमारे पास आए, उनकी हिस्ट्री ऐसे थी कि उनको 3 दिन से कोल्ड का फीवर था। किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर से कान की सफाई करवाई थी और कुछ खुली मेडिसिन उन्होंने ली थी। वो मेडिसिन्स इतने भयानक रूप से उसको रिएक्शन कर गई कि बहुत ही गंभीर हालत में पहुंच गया। वैसे तो किसी भी दवाई से कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ऐसी घातक रिएक्शन देखने में बहुत रेयरली मिलती है। इसको अपनी भाषा में, साइंस में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें पूरी स्किन बॉडी की जो ये पिंक वाली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, डॉक्टर इशिता स्किन स्पेशलिस्ट मेरी डॉक्टर हैं, वो डिटेल में बताएंगी आपको। ही वॉज इन ए वेरी बैड शेप, कुछ खा भी नहीं पा रहा था और बहुत परिवार दुखी था कि डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, हमने 6 डॉक्टर बदल लिया, आराम नहीं आया। तो डॉक्टर जी के खुराना सर, जो हमारे फिजिशियन हैं आर के हॉस्पिटल के, उनकी मेहनत, कुछ मैंने हेल्प करी और बाकी श्रेय तो डॉक्टर इशिता कपूर को जाता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि हम डॉक्टर्स ने मेहनत तो करी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पूरे स्टाफ ने दिन रात मेहनत करी और आप लोगों की बेस्ट विशेज और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स के अलावा इसमें परिवार के योगदान का बहुत बड़ा हाथ था। आपको, सब पत्रकार लोग हैं, सबको पता होगा कि ऐसे में हम कंसेंट तो हर पेशेंट से लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि कोई डेथ का रिस्क है वहाँ पे हम हाई रिस्क कंसेंट लेते हैं। तो हमने उनसे लिखवा लिया था कि डॉक्टर राकेश कपूर ने बीमारी के बारे में बता दिया है, यदि कोई ऊंच नीच होगी तो हम, हमें सब कुछ पता है, हम अपनी मर्ज़ी से इलाज करवा रहे हैं। फॉर्चुनेटली जब ऐसे केसेस में कोई जान पहचान वाला मेडिकल लाइन से हो तो नॉर्मली उनको समझाना ज़्यादा आसान होता है। लड़के के जीजा जी केमिस्ट थे, उनको ने सारा कुछ समझाया कि आप कहीं भी जाओगे वर्ल्ड में तो कोई भी गारंटी नहीं लेगा इस केस की। वो केमिस्ट बहुत अच्छे, बहुत समझदार थे, उस हर बात को समझते थे। उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ हो गया तब भी आप कुछ नहीं कहेंगे, आपसे चुपचाप अपने बच्चे को घर ले जाएंगे, आप दिल खोल के पूरी मेहनत से इलाज करिए। जब पेशेंट डॉक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट जतलाता है और विश्वास जतलाता है तो डॉक्टर को दुगने उत्साह से काम करने की प्रेरणा मिलती है और डॉक्टर दिन रात और मेहनत करता है कि पेशेंट मेरे पे कितना बड़ा ट्रस्ट दिखा रहा है। तो हमने बहुत मेहनत करी, हमारी मेहनत कामयाब हुई और बच्चा 7 दिन तक हमारे पास रहा। बच्चा अब ठीक हो गया। आज है ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को घर से ट्रीटमेंट करवाने आता है वो। आज 10th डे है। डॉक्टर शिता भी बच्चे को देख चुकी हैं, कह रही हैं कि आज उसका जो वेन से ट्रीटमेंट चलता है कैनुला से, उसका लास्ट दिन है, जो मेडिकेशंस ड्रिप में डाल के देते हैं। कल से कुछ एक दिन या कुछ हफ्ते, जैसे डॉक्टर इशिता सलाह देंगी, डॉक्टर जी के खुराना सर सलाह देंगे, हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ी उसको दवाई खानी पड़ेगी, प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और बस हम सब लोग बहुत खुश हैं कि बच्चे की जान बच गई। सर जो भी इतना बता रहे हैं इसमें तो कई लोगों की जान भी चली गई है फिर। हाँ, मैं रिमेम्बर करता हूँ कि जब मैं MBBS फाइनल ईयर कर रहा था 1983-84 में, तो हमारे वहाँ पे एक मेडिसिन के हेड थे डॉक्टर गुप्ता। उन्होंने कोई मेडिसिन खाई, उनको रिएक्शन कर गई। इमेजिन करिए कि वो मेडिसिन के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, उनको कहीं आगरा यूपी में एग्ज़ाम लेने जाना था, तो उनको लगा कि वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो मैं ये मेडिसिन प्रोफिलैक्टिकली मिली रहेगी खा के जाता हूँ, आपको याद होगा मेटाग्लोबिन टैबलेट खाते थे 2 टैबलेट। तो उससे उस मेडिसिन से हमारे प्रोफेसर सर की भी जान चली गई, उनको एम्स मैंने शिफ्ट सुना किया है कि गया, डायलिसिस हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो हम उनको डॉक्टर लोग सेव नहीं कर पाए। ऑल दो ही हिमसेल्फ वॉज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड HOD, नाम था उनका लेट श्री डॉक्टर R.R. गुप्ता, राम रतन गुप्ता। अभी डॉक्टर इशिता भी बताएंगी किस तरह के सिम्टम्स आए, आपने कैसे ट्रीटमेंट किया, थोड़ा सा बताइए। जब जो पेशेंट 22 ईयर ओल्ड मेल हमारे पास आया तो उसकी पूरी स्किन पे रेड रैशेस थे, आँख पूरी लाल थी और मुंह में पूरे छाले थे, और पेशेंट की ये कंप्लेंट थी कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, मुझे जलन हो रही है खाते टाइम। तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने डॉक्टर कपूर को दिखाया, डॉक्टर जी के खुराना को दिखाया, सबको हमने डिस्कस करके यही डायग्नोसिस किया कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। हिस्ट्री से भी यही पता चल रहा था, क्योंकि बाहर से
अनडॉक्यूमेंटेड खुली दवाई लेके आया वो, और पर्चा दिखाने पे उसके पास कोई भी सबूत नहीं था कि कौन सी दवाई खाई जिससे हम पता कर सकें। बस मेरी एक ये ही गेट अवे मैसेज हम जिसको बोलते हैं पब्लिक से, ये है कि अगर बाय चांस आप बाहर आरएमपी से या कोई केमिस्ट से फार्मेसी से कोई भी आप दवाई लेते हो उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखो। बाय चांस ये मुझे भी हो सकता है, ये डॉक्टर कपूर को भी हो सकता है, ये आपको भी हो सकता है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। अगर मुझे आज क्रोसिन दवाई से एलर्जी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद मुझे क्रोसिन दवाई से एलर्जी नहीं होगी, ये कभी भी डेवलप हो सकती है। तो पर्चा जो दवाई अगर आप लेते हो बाहर फार्मेसी से केमिस्ट से उसको हमेशा अपने पास रखो। बाई चांस ऐसा कोई रिएक्शन होता है कभी लाइफ टाइम में तो तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाओ और वो डॉक्यूमेंट दवाई आप दिखा दो। इससे क्या बेनिफिट होगा, डॉक्टर आपको बता पाएगा कि लेटर ऑन आपको ये दवाई कभी भी नहीं यूज़ करनी। जैसे मुझे पर्सनली ओफ्लॉक्स दवाई से एलर्जी है, अब मैं अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है बताना कि मुझे ओफ्लॉक्स दवाई से एलर्जी है, इसके अलावा मुझे कोई भी दवाई दे दो। अगर मैं ये नहीं बताऊंगी तो वो डॉक्टर तो दे देगा वो दवाई, क्योंकि बहुत रेडिली अवेलेबल है, बहुत अच्छे से यूज़ होती है हमारी प्रैक्टिस में। तो पेशेंट का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि डॉक्टर को भी एजुकेटेड रखे, अगर बाई चांस उनके साथ ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या कोई भी टाइप की एलर्जी होती है बॉडी में। बस तो कोई एक्सटर्नल सिम्टम्स थे, दाने थे, छाले थे, लाल आँखें थी बिल्कुल, पेशेंट बहुत सिक कंडीशन में था, खा पी नहीं रहा था, उसको हमने इंट्रावीनस दवाइयाँ दी, ड्रिप लगाई जिसको हम बोलते हैं ताकि उसको नरिशमेंट प्रॉपर मिले, फिर पहले लिक्विड डाइट से शुरू करवाया, कुछ सेफ एंटीबायोटिक्स शुरू कराई ताकि जो मुंह के छाले हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएं। साथ में जो हमारा टीम है आरके हॉस्पिटल की, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, पट्टियाँ करी छाले पे ताकि स्किन अच्छे से हील होनी शुरू हो जाए, वापस से न्यू स्किन जनरेशन हो जाए। तो हम 2-3 बार चक्कर लगाते थे, डॉक्टर कपूर, मैं, डॉक्टर खुराना, हम तीनों चक्कर लगाते थे पेशेंट को देखने। साथ में हम स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन देते थे, स्टाफ ने भी खूब अच्छे से फॉलो किया इंस्ट्रक्शन, तभी जाके उसको हील प्रॉपर हीलिंग मिली। डॉक्टर जब पेशेंट आया था आपके पास वो काफ़ी उसको इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन उसको शुरुआत में हुआ क्या था, फिर ये इन्फेक्शन कैसे फैला उसको? उसकी हिस्ट्री थी कि उसको सर्दी खांसी जुकाम था और कान में दर्द था, तो वो लोकल डॉक्टर के पास जाके उसने कान में कुछ ट्रीटमेंट कराया और कुछ दवाई खाई खुली, जिसके 2 दिन के बाद ही उसको स्किन पे रैशेज आने शुरू हो गए। धीरे धीरे स्किन के रैशेज बढ़ के मुँह के छाले और आँख में जलन, आँख में लालपन और खाने पीने में तकलीफ़, ये सब सारे सिम्टम्स आ गए उसको। फिर 2 दिन उसने कहीं बाहर से ट्रीटमेंट लिया, वहाँ पे उसको संतुष्टि नहीं मिली, फिर हमारे पास पता नहीं कैसे आया, देख के आया होगा या तो, या आरके हॉस्पिटल का नाम कब से है मार्केट में, इतने साल हो गए आरके हॉस्पिटल को, तब से आया, हम पे ट्रस्ट दिखाया, हमने उसको ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गया। बस ट्रस्ट उसने अच्छा दिखाया, कुछ पेशेंट्स क्योंकि जो ज़्यादा सिक होते हैं उनको ट्रस्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अच्छे से ट्रस्ट, क्योंकि इतना हाई रिस्क पेशेंट था उसको समझने में भी तकलीफ़ होती है कि क्या कंडीशन है, क्या स्किन, स्पेशली स्किन केयर की जो डिजीज़ हैं वो इतनी रेयर होती हैं कि वो आम नहीं देखी जाती। उसको ये चीज़ समझाना और उसको ये समझना, ये आपस में एक अच्छी बात है। 7-8 डेज ये खर्चा मैं अकाउंट से पूछ ही होता हूँ, उसके जिया जी ने जो केमिस्ट था उसने खर्चा दिया, हमने कुछ खास लिया नहीं इस केस के लिए, मैं खुद कुछ सेंटी हो गया था, अटैच हो गया था, जैसे मैंने भी आपसे बोला कि 30th को रामनवमी है, इसी बच्चे के हाथ से हम लंगर प्रसाद बटवाएंगे हॉस्पिटल गेट पे। किसी किसी पेशेंट के साथ आप जुड़ जाते हो जी। या मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा आपको कि जिस डॉक्टर ने दवाई दी है, खुली रिएक्शन करी है, इसमें डॉक्टर की 0.1% भी गलती नहीं है। अच्छा, तो किसी भी दवाई से किसी को भी रिएक्शन हो सकती है। क्या उसने आरएमपी डॉक्टर से ली थी या मेडिकल स्टोर से ली थी? दोनों से ली थी, स्टोर से भी, आरएमपी डॉक्टर से भी। जब मैंने उनसे पूछा फ़ोन पे दवाई का नाम बता दो तो घबरा गए, मेरी तो दवाई का ही फॉल्ट रहा कहीं से गलत दवाई खा ली, उनको लगा कि डॉक्टर साहब कुछ केस कर देंगे या कुछ कर देंगे, जबकि हम ऐसा कुछ करने नहीं वाले थे। और बच्चे की जीजा जी भी समझते थे, बच्चा भी समझता कि दवाई तो रिएक्शन कर सकती है। मैं नाम इसलिए जानना चाहता था कि फ्यूचर में वो दवाई ना खाए। अनफॉर्चुनेटली अब तक हमें नहीं पता कि इसको क्या दवाई रिएक्शन करी होगी, हालांकि हमारा शक 2 मेडिसिन पर जाता है, या तो ओफ्लॉक्स टाइप पे
या फिर डिक्लो जो वोवरन दवाई आती है, पेन किलर, इन दो में से किसी एक पे शक जाता है, हम श्योर नहीं है, फिर आरएमपी और केमिस्ट शॉप वाले लिख के देने को तैयार नहीं थे, डर गए थे वो ज़्यादा। डॉक्टर साहब, कल की एक रिपोर्ट आई थी, कुछ महंगी दवाइयाँ मतलब मंगती तो हैं लेकिन जाँच में पाया जाता है कि दवाइयाँ नहीं, वो जहर है जो है, वो पैन की कर दी जाती है, और वो दवाइयाँ अगर 1000 रुपया लिखा रहता है तो 70 रुपया या 100 रुपये मिलती हैं, तो अगर वो बैन कर दी जाती हैं, कुछ स्टोर पे कुछ माफिया लोग उसको पहुंचा देते हैं कि भाई कोई अपने आप आए ये दवाई मांगे तो आप दे देना जो है, मतलब कमाई के लिए, लेकिन वो दवाई नहीं है, वो जहर डिक्लेयर कर जो मतलब की जा चुकी है, तो ऐसे खेल चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर, ऐसा चल रहा है मार्केट में, इसलिए तो मैं ज़िला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हज़ार मैडम अभी कह रही थी कि आप कोई भी दवा खाओ डॉक्टर की सलाह से खाओ, कौन सी बंद हो गई, कौन सी चल रही है, कौन सी अच्छी है। हाँ जी, तो इसी सिलसिले में पूछ रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि अब कोई दवाई अपने आप लोग ना खाएं जो है, बिल्कुल पता नहीं कौन सी बैन दवाई है और कुछ हो जाए उल्टा सीधा, डॉक्टर की मर्जी से खाएं, और ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो आप कह रहे हैं कि 1000 टैबलेट्स का जार आता है जो 70 रुपीज़ का मिलता है, भोले वाले पेशेंट को दे दिया जाता है, उनको पता ही नहीं होता नाम क्या है, क्या होता है, किडनी खराब होती है, उससे नुकसान खराब होता है, बिल्कुल नेफ्रोटॉक्सिक होती है, किडनी भी खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब पेशेंट दिखाते हैं एक बार, नीचे है कहाँ है? हाँ नीचे है पेशेंट। तो आपके कुमला कहना है खुली दवाइयाँ खाने से बचें, खुली दवाई खाने से बचें, और अगर फिर भी आप किसी आरएमपी से केमिस्ट से, हम लोग किसी भी मतलब केमिस्ट से अपने किसी कुली के खिलाफ नहीं है, आप जो भी दवाई खाएं उससे बोलेंगे इसका नाम लिख दीजिए, क्या दवाई है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या नाम है, वो रिकॉर्ड में आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, ताकि कुछ हो जाए तो हमें पता हो कि किस दवाई से रिएक्शन हुई है। और वेट ना करें ट्रीटमेंट के, अगर आज रिएक्शन दिखा, आज स्किन का रैश दिखा या छाले दिखे, तो उसी टाइम आप डॉक्टर के पास आओ, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना हाई रिस्क क्वालिटी कम हो जाएगी, अगर जितना वेट करते रहोगे घरेलू ट्रीटमेंट करते रहोगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता रहेगा पेशेंट को। ठीक है, थैंक यू।